हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जो कि सीरीज से अलग है। जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस लेसन की सीरीज निकाली, तो ये उससे थोड़ा अलग है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो जो थ्री लॉस थे रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर, फर्स्ट लॉ दैट इज व्हेन द इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड लॉ हमारा ये था कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस देन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड हमारा थर्ड लॉ ये था कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट बाउंस बैक एंड मीन्स ट्रेसिस बैक इन इट्स ओरिजिनल पाथ। तो आखिरकार ये रूल आया कहाँ से और ये लॉ आया कहाँ से, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ये ज़्यादातर किसी स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता इसके बारे में, पर हम पढ़ाएंगे। ओके सो अगर आप 9th या 10th में हो तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, आई होप सो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला रूल क्या था, एक बार जस्ट रिवीजन। देखो, हमारे पास अगर एक कोई भी मिरर होने दो स्पेरिकल, इट मे बी द कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम यहाँ पर एक कॉनकेव निकाल रहे हैं और ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है हमारा पोल, यहाँ पर हमारा हो सकता है फोकस और यहाँ पर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इफ यू हैव ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन एनी पाथ, कहीं पर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट इट मे बी द बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ओके सो अवर फर्स्ट रूल इज दैट द रे विच इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पास फ्रॉम फोकस। सो अगर हम यहाँ से एक रे निकाले जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वो जाएगी फोकस से। ओके तो वो जाएगी फोकस से। और अगेन हमारा सेकंड लॉ क्या था कि अगर हमारे पास एक रे आई जो कि फोकस से जा रही है, सपोज अगर यही आप एक रिफ्लेक्टेड रे समझ लो कि अगर ऐसे नीचे से एक रे आ रही है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बस एक इनवर्स लॉ है। ठीक है, नाउ थर्ड इज दैट कि अगर यहाँ से एक रे आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और यहाँ पर मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो डायरेक्ट बाउंस बैक हो जाएगी जहाँ से वो आई थी। मतलब यहाँ से एक रे ऐसी आएगी तो ये वहाँ से ही ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी आखिर क्यों होता है वही समझेगी। देखो, अगर ये आपको पता है तो इसके पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर। नाउ वी हैव द थ्री लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, और थर्ड लॉ ज्यादातर होता नहीं है बट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू नॉर्मल। नाउ देखो कि अगर हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया, ये एक हमारा प्लेन मिरर है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, तो फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होता है जो कि इमेजिनरी परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज नॉर्मल। ओके, ये हमारी नॉर्मल है ऐसे समझ लो। नॉर्मल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसा, ऐसी कुछ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ गए? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अभी ऐसा ही हम करते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर में। अगर हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है पोल, ये हमारा है फोकस और ये है हमारा सेंटर। ठीक है, ये हमारा सेंटर, फोकस एंड प्रिंसिप, सॉरी पोल। ओके, तो हम कहीं पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, या हम जस्ट रे ड्रॉ करके बताएंगे, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ओके, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो यहां पर वो क्या, वो रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। बट ये फोकस से क्यों जाएगी, फोकस से इसलिए जाएगी कि यहां पर भी एक नॉर्मल है, यहां पर एक नॉर्मल है, मतलब यहां से परपेंडिकुलर टू द मिरर,
और एक ये तो एक सर्कुलर पार्ट है ना, तो यहां पर कहां से परपेंडिकुलर आया? देखो भाई यहां पर एक परपेंडिकुलर है, यहां पर एक परपेंडिकुलर है, यहां पर एक नॉर्मल है। कहां पर है नॉर्मल? तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? इंसिडेंट रे चाहिए। इंसिडेंट रे जहां पर जिस पॉइंट पर मिरर पे आ रही है, जैसे कि ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर मिरर और इंसिडेंट रे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट तक ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे तो ये इंसिडेंट रे के पॉइंट तक, ये लेट इट मे बी द नॉर्मल, ये हमारा एक नॉर्मल है, ये हमारा क्या है? एक नॉर्मल। तो अभी अगर ये हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है। अभी देखो तो ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ, एंगल आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने क्या देखा था? नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आया। अभी अगर ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये हमारी, एक सेकेंड ना, तो ये हमारा क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी द इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो द रे विल पास थ्रू फोकस। समझ में आया? नहीं आया? मुझे पता है। देखो एक रे है हमारी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये इस मिरर पर आके टकराई, ठीक है, जहां पर वो फॉल हुई मिरर पर, तो वहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल था, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट होगी, और जब हमने वो रिफ्लेक्ट किया तब ये फोकस से आई। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, और इसी का कॉन्वर्स आप बोल सकते हो कि सेकंड लॉ है। तो भी फिर से हम देखेंगे, सेकंड लॉ पे तरफ जाएंगे तो आपको ये भी इजीली समझ में आएगा। देखो हमारे पास है एक हमारे पास ये है पोल, ये है फोकस, एंड ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी सेकेंड लॉ क्या था कि हमारा अगर फोकस से जाएगी, मतलब हमारी इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी, तब वो क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वाई? देखो हमारे पास एक ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, थोड़ी आड़ी टेढ़ी, बट समझ जाना। तो ये हमारी क्या हुई? एक इंसिडेंट रे, ये फोकस से गई। इसके बाद हमने क्या बोला था कि जो पॉइंट जहां पर ये मिरर से टकराएगी, मीट करेगी, तो वो वहां से, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से वहां तक, ठीक है, आड़ी तीढ़ी बन रही है, ठीक है। तो आप समझ जाना, ये हमारी है नॉर्मल, ये हमारी क्या है? नॉर्मल है। अभी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होगा? नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एंगल आप बोल सकते हो, तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी द इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल है, ये नॉर्मल और फोकस के बीच में, तो ये एंगल इक्वल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसीलिए वो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है। अगर आप यहां से फिर से यहां पर एक मेजर करोगे, तो ये रे ऐसे निकलेगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही सेकंड रूल है हमारा। और थर्ड रूल, थर्ड एंड लास्ट रूल, इट मे बी द इम्पॉर्टेंट वन, वो आपको इजी समझ में आ जाएगा।
इन दोनों की कंपैरेटिवली। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है, कॉन्वेक्स का। अभी ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसके पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कहीं पर, या हम डायरेक्ट रे निकालेंगे, तो अगर हमारी रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने वो तो डिस्कस कर लिया। हमें ये पढ़ना है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो ऐसा आ सकता है क्या? शायद नहीं, एक सेकेंड ना। तो ये हमारे पास मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे होगी? अगर ये ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, और हमारा थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको डायरेक्ट बाउंस बैक कर देगा, मतलब वो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता क्यों है? तो यहां पर आएंगे हम। अगर मैंने बोला कि एक इंसिडेंट रे है जो कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसे आ रही है, ऐसे एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर देयर इज नो एंगल, देयर इज नो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, देयरफॉर दैट विल बी द बाउंस बैक। अगर कोई रे प्लेन मिरर पर आ रही है परपेंडिकुलरली, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलरली आ रही है मतलब नॉर्मल पे सीधा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक। वैसे ही इसमें भी केस है, ये डायरेक्ट अगर आ रही है नॉर्मल पे, ये अगर डायरेक्ट नॉर्मल पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट क्या है, नॉर्मल है, तो मतलब ये नॉर्मल पे आ रही है स्ट्रेट। अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली नॉर्मल पे आ रही है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट देयर, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो उसी जगह से वो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जहां पर गिरी है वहीं से रिफ्लेक्ट। यही थे हमारे थ्री लॉज, आई होप सो आपको समझ में आए होगे, ठीक है। सो इफ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।